फसाह सड़कें नाकिस सीवरेज समेत दीगर मसाइल का होगा इजाला। हुकूमत पंजाब ने मुल्तान डिवीजन के लिए फंड का ऐलान कर दिया है। डिवीजन भर के जारी 340 तरक्याती स्कीम्स के लिए 7.5 अरब और नई स्कीम के लिए 22 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम, खेलों के फरोग और मॉडल सब्जी मंडी के लिए भी फंड्स रख दिए गए हैं। पंजाब में तौंसा शरीफ को पेरिस बनाने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलज़ार के शहर की खूबसूरती और सजावट के लिए मजीद 30 करोड़ रुपए मंजूर। रवा माली साल में तौंसा की खूबसूरती के लिए 10 करोड़ खर्च कर दिए गए। तौंसा में स्ट्रीट लाइट्स, निकासियां, टफ टाइल्स की तंसीब और दीगर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्काबंदियां 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक 4 माह में मरहलावार मुकम्मल होंगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों के लिए खसूसी कमेटियां तश्कील दे दी। हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त 13 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। और लोधरा में बिजली सारफीन को बिल्स में मुआफी न मिल सकी। बिल्स में रवा माह हजारों रुपए ओवर चार्जिंग से सारफीन सख्ते में आ गए हैं। बिल अदा न करने की सूरत में बिजली मुनकता करने का नोटिस जारी। सारफीन परेशान, बिल से ओवर चार्जिंग खत्म करने का मुतालिबा किया। जबकि दूसरी जानब मेपको अफसरान ने कहा कि ओवर चार्जिंग नहीं की गई, साबका बकाया जात लगा कर दिए गए हैं।